सहारनपुर की तहसील बेहट के गांव रंडोल में एंटी करप्शन की टीम ने एक लेखपाल को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन के एक अधिकारी बाबर जैदी ने जानकारी देते हुए बताया कि एक किसान ने शिकायत की थी कि दाखिला खारिज कराने के लिए उनके गांव का लेखपाल उन्हें पिछले 3 महीने से परेशान कर रहा है और 10,000 रुपए की डिमांड कर रहा है। वहीं किसान की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने कार्रवाई करते हुए लेखपाल को किसान से 5 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि 5,000 रिश्वत लेते हुए लेखपाल गिरफ्तार हुआ, जहाँ घटना के बाद से ही स्थानीय लेखपालों में हड़कंप मचा है। हमारे यहाँ दिनांक 23 तारीख में कंप्लेनेंट है गोपाल चौहान, उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि उन्होंने भी भूमि खरीदी थी जनपद सहारनपुर में, तो उसमें दाखिल खारिज कराने के एवज में लोकपाल फिर रियासत के द्वारा 10,000 रुपये की मांग की जा रही थी। उसके बाद इनका सौदा 5,000 रुपये में तय हुआ था, 5,000 रुपये लेकर बुलाया था, तो इन्होंने इंटरकंटीन यूनिट कार्यालय मेरे में सूचना दी थी, तो वहाँ पर हम लोगों ने भारी कार्रवाई करते हुए इसकी जांच कराई और उसके बाद आज इसको लेखपाल जैसा कर 5,000 रुपये जो रंगे हाथों तहसील के सामने सेक्रेट किया।